तो हम हमारे इस पार्टी कार्यालय में जो भी जन संवाद जन सुनवाई के दौरान रजिस्टर कराकर आएगा तो उसकी परियोजना सुनी जाएगी। काम चल रहा है, पार्टी के सब लोग काम कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता काम कर रहा है, पार्टी के जितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पार्टी का ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर कोई कभी कोई चीज़ रुकी हो, और जल्दी इस पर डिसाइड करके उसको काम कर लिया जाए। बीजेपी के ही लोगों का कहना है कि बीजेपी 36 कौम की पार्टी रही है और इसने सभी जातियों को अलग अलग समय पर बोर्ड और निगमों के साथ ही विधानसभा और संसद में प्रतिनिधित्व दिया है। महामंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि पूरा मामला राष्ट्रीय नेतृत्व की जानकारी में है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी में कार्यकर्ता ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के जानकारी में पूरा विषय है और जल्द ही राष्ट्रीय नेतृत्व इस बारे में करके आपको बताएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेगा। उधर बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद पर नाम तय होने में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस को भी चुटकी लेने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर व्यक्तिगत निष्ठाओं को देख रही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि लगभग डेढ़ माह तक अध्यक्ष नियुक्त न हो पाए। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में यह अप्रिय स्थिति इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ आपसी निष्ठाओं के प्रति प्रश्न खड़े हो रहे हैं, केंद्र और राज्य के नेतृत्व में समन्वय नहीं है, और अब तो ये भी सामने आया कि जातिगत समीकरण साधने की कवायद चल रही है। बीजेपी में पिछले डेढ़ महीने से नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार हो रहा है। इस दौर में कई नाम आए और फिर पर्दे के पीछे चले गए। कभी जातियों की नाराजगी का तर्क दिया गया तो कहीं किसी की खुशामदी की दुहाई दी गई। कार्यकर्ता चाहता है कि जल्द से जल्द पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जिससे चुनावों में पार्टी सक्रिय हो सके, लेकिन सवाल ये होता है कि कहीं जातिवाद के फेर में अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा में देरी हो रही है तो फिर ऐसा क्यों? कार्यकर्ता के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी किसी एक जाति के कार्यकर्ता ने खड़ी की है या क्या किसी एक जाति के लोगों के वोट से बीजेपी सत्ता में जीत कर आई है? अगर ऐसा नहीं तो फिर प्रदेशाध्यक्ष के लिए जाति क्यों देखी जा रही है? कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। और चलिए, पूछा जाना जरूरी है साहब कि जाति क्यों पूछी जा रही है और जाति को लेकर इतना फंसा हुआ मामला क्यों है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। सत्यनारायण सिंह जी कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मीकांत पारिक साहब है, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पारिक साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, थोड़ा सा जवाब दीजिएगा सर। हम कहते हैं सर, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये सर म्यान पे इतना वक्त क्यों वेस्ट कर रहे हैं सर? क्यों? कुछ अच्छी नक्काशी कराना चाहते हैं, कुछ अच्छी बेहतर दिखे म्यान, इसलिए चुनाव में तो तलवार ही चलनी है सर। देखिए राहुल, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट के साथ कहा है कि मई के महीने में प्रदेश अध्यक्ष घोषणा हो जाएगी। कुछ समय इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष घोषणा हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से आप जातिवाद की उन सब बातों पर बात करती, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद पर विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी 36 कौमों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता अशोक परनामी जो शहर जिले का महामंत्री होकर अशोक जी परनामी अगर प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसमें अमित शाह जी सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तानिष्ठ पार्टी और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने भंवरलाल जी शर्मा जैसे योग्य प्रदेश अध्यक्ष दिए, अशोक जी परनामी जैसे अध्यक्ष दिए, रामदास जी अग्रवाल जैसे प्रदेश। अगला योग्य कौन होगा? आप सर इतिहास बताते हैं, मैं आपसे वर्तमान पूछ रहा हूँ। ये देखिए ना सर, कुर्सी दिखा रहा हूँ मैं, खाली पड़ी है सर, इंतजार है कि कोई आए बैठे। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, माननीय संगठन महामंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम अपना काम कर रही है। जो जो दायित्व जिन जिन कार्यकर्ताओं दिए गए हैं, चाहे चुनाव की दृष्टि से हो या अन्य संगठनात्मक कामों की दृष्टि से हो, ये सभी लोग अपना अपना काम। लक्ष्मीकांत जी, मुझे पता है अंदर की जानकारी निश्चित रूप से, लक्ष्मीकांत जी मुझे पता है आपके पास अंदर की जानकारी है और आपके पास बहुत अच्छी जानकारी होती है सर। थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए ना, दिल्ली से क्या बात हुई है या दिल्ली से किस बात को लेकर एग्रीमेंट हो गया है कि साहब जाट नहीं होगा, राजपूत नहीं होगा, कोई ब्राह्मण हो सकता है, सर क्या है बीच का रास्ता? कुछ तो तय हुआ होगा ना सर, कुछ तो ज्ञानवर्धन कर दीजिए हमारे दर्शकों। एग्रीमेंट्स वाली बात तो व्यवसायिक
देखिए ये एग्रीमेंट जैसी बातें तो व्यवसायिक संगठनों में ठीक लगती है, व्यापारिक लोगों के बीच में एग्रीमेंट्स हो सकते हैं लेकिन पार्टी और संगठन बीच में एग्रीमेंट्स हो ऐसा कहीं नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी, जब मैं पहले भी कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी, कार्यकर्ता श्रेष्ठ कार्यकर्ता का नेतृत्व जिसके हाथ में देना है राष्ट्रीय संगठन तय करने जा रहा है, और राष्ट्रीय संगठन जिस भी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष तय करेगा संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी एकजुट के साथ उनके नेतृत्व में काम करेगी। ये बात बिल्कुल तय है। सत्यनारायण जी हमारे साथ, सत्यनारायण जी आपको दोहराता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति के आधार पर अध्यक्षों को तय नहीं करती। ठीक 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 है सर, नहीं करती। सत्यनारायण जी आपको लगता है कि जाति के आधार पर अध्यक्ष तय नहीं हो रहा है, वो ठीक वैसा ही है जैसा कि लक्ष्मीकांत जी बता रहे हैं, वैसा ही है क्या सर? हाँ देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो जातिवाद का ही है, क्योंकि जो राजपूत मंत्री को दिल्ली से जोधपुर के जो निर्वाचित होके आए हैं उनके नाम का वर्चुअली घोषणा हो गई थी और उसको उनको केवल चार संभालना था उसका यहाँ से सत्तानी घोषणा हो गई थी। आप मुझे बोलने दीजिए ना, मैंने आप ही का घोषणा हो गई थी, आपको वर्चुअली बोला होगा। लक्ष्मीकांत जी प्लीज, लक्ष्मीकांत जी प्लीज, बहुत सीनियर, बहुत सीनियर, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। लक्ष्मीकांत को मिसगाइड नहीं करें प्लीज। लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने वर्चुअली बोला, उन्होंने वर्चुअली बोला, वो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही था। हाँ जी सर, सत्यनारायण जी प्लीज कंटिन्यू। तो जब वहां से हुआ तो एक्चुअली में जातिवाद तो एक कारण है ही, कोई वो कहती है मैं अपने आप को जाट बताती हैं, वो चाहती हैं कि राजपूत हो, कोई चाहता है ये हो, वास्तव में तो वो चाहती थी कि अशोक जी परिणामी ही इसमें कंटिन्यू करें, और अब भी वो यही चाहती हैं कि पुनः उन्हीं को बना दिया जाए, क्योंकि वो एक छत्र आगामी चुनाव में अपना रोल अदा करना चाहती हैं, वो ऐसा चाहती हैं जो रबर स्टैंप हो, और इसलिए दिल्ली में पूरा इन्होंने जोर लगाया। उधर दिल्ली की जो इनकी पदाधिकारी हैं वो सोचते हैं कि जिस नाम को हमने पहले तय किया था, जिसकी घोषणा होनी जैसा कह रहे ये नहीं हुई थी मगर फाइनल हो गया था, वो अगर नहीं हुआ तो दिल्ली की सत्ता बड़ी है या राजस्थान की बड़ी है इस मामले में बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, अपना आदमी चाहते हैं। नहीं नहीं सत्यनारायण जी, आप जिस स्तर के आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर है। मैं लक्ष्मीकांत जी ये कहते हुए आपके पास में आ रहा हूँ सर, वैसे तो अभी तक ये चर्चाओं में नहीं है, हमारी भी थोड़ी जानकारी होती है सर। खैर वो कह रहे परनामी साहब कंटिन्यू करें, अगर करेंगे तो सर, और अगर नाम का ऐलान होता है तो फिर ये पूछा जाएगा कि इस्तीफा ही क्यों लिया, ऐसा कुछ है क्या कि पहले इस्तीफा लिया और फिर उन्हीं से कंटिन्यू करवा दें, कुछ ऐसा भी है क्या? इस्तीफा तो मांगा गया था, दिया नहीं था। देखिए पहली बात तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो। अशोक जी परिणामी का पहली बात आपको स्पष्ट ऐसा बता दूं कि अशोक जी परिणामी से इस्तीफा नहीं मांगा गया था, अशोक जी परिणामी से अपने कारणों से इस्तीफा दिया पहली बात। और सत्यनारायण सिंह जी ने पता नहीं किन आधारों पर किसका नाम और क्यों किसको प्रदेश तय कर दिया, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर इनका दखल रहता हो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इनकी इच्छा शक्ति रही होगी कहीं ना कहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में इनकी रुचि बढ़ रही है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो जातिवाद की बात कांग्रेस के लोग करते हैं। आप एक देखिए लंबे समय से कांग्रेस का यदि बात करें, चंद्रबान जी रहे हो, परसराम जी रहे हो, और कोई रहो, एक लंबे समय तक जातिवाद की राजनीति और जातिवाद के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष क्या करना काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की बात नहीं की। और जो लोग हम पर प्रदेश अध्यक्ष की बात करते आप क्या तो प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते लोग, कहीं कोई गहलोत जी को अध्यक्ष मानता है, कोई सीपी जी को अध्यक्ष मानता है और कोई सचिन जी को अध्यक्ष मानता है, और तीन तीन चार चार अध्यक्षों के साथ चल रही है आपकी पार्टी। तो अब आप तय करें कि आपका अध्यक्ष आखिर है कौन। आपकी पार्टी अशोक गहलोत के कार्यकर्ता अलग, एक विडंबना आपके हिसाब से, एक के इतने सारे अध्यक्ष और हमारा एक भी अध्यक्ष नहीं, ये भी एक स्थिति है साहब, ये भी एक स्थिति है। सैनी सर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, सैनी सर मैं आपके पास में आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नौशादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष होता है, भारतीय जनता पार्टी कमान उसके पीछे चलती है। सैनी सर सहस्त्र अध्यक्ष नहीं हुआ करते, ठीक है सैनी सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सैनी सर जाति का कुछ खेल है कि नहीं है, या मान लें कि जो पारिक साहब कह रहे हैं वही सत्य है बीजेपी का? नहीं, लक्ष्मीकांत जी ने सब कुछ बहुत सच बोला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक बात बोलना भूल गए कि मेरा ख्याल है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से पहली बार जब वसुंधरा जी प्रदेश अध्यक्ष बनी तब पहली बार 36 जातियों का सिलसिला बोलने का प्रारंभ हुआ। उससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी 36 जातियों की बात नहीं किया करती थी, यानी कि जातियों के महत्व को स्वीकार किया गया, इसलिए ये सारा सिलसिला प्रारंभ हुआ। और उसके बाद में जो समन्वय बना, जो प्रदेश अध्यक्ष, वो जो लंबा युद्ध हुआ वो तो अलग बात, उस इतिहास को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर
वसुंधरा जी ने जिस तरीके से परिणामी जी को अध्यक्ष बनाया और उनकी स्वीकृति हासिल की और उनके साथ में काम किया, वो इतना बेहतरीन समन्वय था कि उसकी अलगाव का कोई सिलसिला नहीं है। और जिस तरीके की योजना वसुंधरा जी की रही कि राजस्थान में उनको 180 और 25 वाला टारगेट हासिल करना है, तो वो चाहती थी कि परिणामी रहें, लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं, जो एक केंद्र का अपना सिलसिला है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इसके माध्यम से नहीं हो सकता, तो बदलाव चाहते थे। गजेंद्र सिंह जी का नाम इसीलिए सामने उभर करके सामने आए। अब 4-5 नाम है, उन सारे नामों को जाति के हिसाब से देखा जा रहा है कि विभिन्न समूह जो प्रभावी हैं। देखिए, जाति लेगेसी एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती थी। चर्चा करने का काम शुरू किया वसुंधरा जी ने, उन्होंने ही 36 कौमों की बात कहना शुरू किया है, तो इसलिए जाति का समन्वय देखने की बात तो होने लगी, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता यह है कि शेड्यूल कास्ट का आदमी रहे यहाँ पर या राजपूत रहे उससे समन्वय बैठेगा, या सैनी रहे या दूसरा रहे, जो 4-5 नाम सामने आ रहे हैं, तो ये अपने आप में विचार का विषय। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बेहतर संगठन है, लेकिन उसमें इतना द्वंद्व हो रहा है, ये लोगों में एक चिंता पैदा कर रहा है, एक जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि क्या सचमुच में भारतीय स्थिति जो पैदा हुई है ना, अपनी इतना 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 माहौल बनता नहीं सर, ये माहौल इसलिए बन गया सैनी सर, मैं ये मानता हूँ ये स्थिति खुद बीजेपी की क्रिएट की हुई है। अगर वो नाम की घोषणा कर देते पहले तो शायद ये स्थिति बनती नहीं। गलत रूप से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, यही यही बात है कि अगर जो रोका गया उससे पता लगा कि साहब केंद्र के साथ में या प्रांतीय संगठन के साथ में या सरकार के साथ में कोई समन्वय बैठ नहीं रहा, और वो केंद्र कुछ और चाहता है और प्रांतीय संगठन या सरकार कुछ और चाहती है, ये सारी बातें लेकर के सारी चर्चाएं होने लगी है। अन्यथा सीधा सीधा था कि अगर परिणामी जी ने इस्तीफा दिया और गजेंद्र जी का नाम आया तो खट से लागू कर दिया जाना चाहिए। अब गजेंद्र जी के बारे में 50 तरह की चर्चाएं हो रही है, उन पर क्या क्या हो रहा है, तो ये सब अपने आप में अपने संगठन की, यानी भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन की बदनामी हो रही है। तो इनको तत्काल ये सब रास्ता निकालना चाहिए, डिफेंड नहीं करना चाहिए। हाँ, ये गलती तो हुई है, 1 महीना और 12 दिन गुजर गए हैं, लोग चर्चा करने लगे हैं, तो होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ रोग है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सत्यनारायण जी, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि आपको बीजेपी में इंटरेस्ट है और बीजेपी की आपके पास ज्यादा जानकारी है। लक्ष्मीकांत सर, सत्यनारायण सर, लक्ष्मीकांत जी का कहना है ऐसा है क्या सर, आपके पास ज्यादा अंदर की जानकारी हो? देखिए, लक्ष्मीकांत जी तो देंगे नहीं बीजेपी से, अगर सत्यनारायण जी आपके पास हो तो प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, ये तो हरा ये तो आज हर आदमी के जबान पे है कि वसुंधरा जी अपना आदमी चाहती है जो चुनाव में अब उनके रबर स्टैम्प के रूप में साबित हो, वो जातिगत समीकरण भी चाहती है, इसीलिए उन्होंने गजेंद्र सिंह का उन्होंने अपोजिशन किया, सारे मंत्री दिल्ली गए, वहाँ पड़े रहे, चर्चा की और सारी नाराजगियाँ हुई। अब क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो खुद अपने आप की सुप्रीमेसी जाहिर करे या वसुंधरा जी को के कहने के अनुसार चले, और ये तो मान के चलने की बात है, ये बार बार कहते हैं कि बीजेपी में जातिवाद नहीं है, बीजेपी में जितना जातिवाद अब बन चुका है उतना तो मेरे ख्याल से बसपा और सपा में भी नहीं है। आज जो ओबीसी को टुकड़े करने की बात करके जो छोटे ओबीसी को लेने की बात करी है, ये जातिवादी बात ही है। और मेघवाल जी का नाम आया, जितने नाम आ रहे हैं वो जातिवाद के आधार पर ही आ रहे हैं, और ये केवल इतनी बड़ी पार्टी जो राजस्थान में पुनः राज करना चाह रही है, पूरे लोकसभा की सीटें लेना चाह रही है, 80% सीटें जा रही है, उनके पास एक भी आदमी नहीं मिला, एक भी योग्य नहीं मिला। लक्ष्मीकांत जी रिस्पॉन्ड कीजिए, राज बढ़ाएंगे, लक्ष्मीकांत जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये तो सच है, जातियां तो सच है ना, जातियां सच है लक्ष्मीकांत जी, तभी हम बोलते 36 कौम। अगर जातियां सच नहीं होती तो हम ये कभी बोलते ही नहीं। हम 36 कौम जो फ्रेज है, जो शब्द है, जो नया ऐड हुआ है राजस्थान की राजनीति में, वो इसलिए है सर कि जातियों के सत्य और वो सर्वमान्य सत्य हो गया, अब मान लेना चाहिए उसे, भागे क्यों उससे। लक्ष्मीकांत, ये शब्द नया नहीं है, माने भैरव सिंह जी हो, माने भैरव सिंह जी की सरकार रही तब भी हमने 36 को साथ लेके चले और सदैव 36 को साथ लेके चलते हैं, लेकिन माननीय सत्यनारायण जी जिस प्रकार की बात की, मुझे लगता है कि सब जो व्यक्तिवादी पार्टियां एक श्रेणी में खड़ी हो गई, यहाँ पर सत्यनारायण जी बात से लगता है, कांग्रेस, बसपा और सपा, तीन का उदाहरण दिया, तीनों के अंदर एक परिवार की सामंतशाही चलती है, और सामंतशाही जिन परिवारों में चलती है वहां पर तय हो जाता है कि मैंने कहा वही व्यक्ति अध्यक्ष होगा, मैंने कहा वही व्यक्ति बनेगा। जिस प्रकार की बहुजन समाजवादी पार्टी बात करी, मायावती के पीछे लोग होकर चल रहे, जिस प्रकार कांग्रेस की बात की, राहुल गांधी के पीछे लोग होकर सब लोग चल रहे, और जब सपा की बात की तो मुलायम सिंह के परिवार के बाहर पार्टी निकल नहीं पाती, तो ये सब लोग एक फेरिस्ट में खड़े हो गए। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक विस्तृत रूप से, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक रूप से सुदृढ़ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी अपने आप में, परिवार की
पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हो या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे हो, वहां पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनता है, वहां पर कार्यकर्ता की एक पॉजिटिव बात है। नहीं, आपने जो बोला ना लक्ष्मीकांत जी, इससे पॉजिटिव चीज निकल रही है, एक पॉजिटिव चीज निकल रही है। मैं सैनी सर उसी पॉजिटिव सकारात्मक बात के साथ आपके पास आ रहा हूँ। सर अगर ये कोई दूसरी पार्टी होती तो अभी तक तो एक आदेश निकल गया होता। आपको नहीं लगता जो कुछ हो रहा है उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि शायद इस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, शायद उतनी गुंजाइश है कि कोई अपने विरोध को प्रकट कर पाए। दूसरी पार्टियों में ये नहीं है और ऐसा होता नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, नहीं, आपके इंटरनल आपके झगड़ा है, आपकी स्थिति देखिए, आप कई सारे प्रत्यक्ष के साथ खड़े हुए हैं, आपकी स्थिति बड़ी गंभीर है। ठीक है, सनी सर। देखिए कुल मिलाकर के सचमुच में ये डेमोक्रेटिक पार्टी तो निश्चित रूप से है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरीके का द्वंद्व चल रहा है राष्ट्रीय और प्रांतीय, वो चर्चा का विषय है। ये द्वंद्व मैं गलत नहीं मानता कि इसमें कोई गलत है, निश्चित रूप से फैसला हो जाए, लेकिन जो देरी हो रही है उससे सामान्य लोगों को भी, जो पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है, जो बाहर से देख रहे हैं, उनको लगता है कि ये पार्टी जो अनुशासन के लिए विख्यात थी उसके ये सब क्या हो रहा है, ये पार्टी जो नियोजित तरीके से काम करती थी उसके ये क्या हो रहा है। देखिए इन्होंने कहा कि भैरव सिंह शेखावत भी जातिवाद की कोई चर्चा करते थे, पता नहीं जातिवाद चर्चा नहीं करते, 36.7 लेके चलने की बात बोलते थे, वो 36.7 लेके हमेशा चलते थे और चलते रहे। भैरव सिंह शेखावत हमेशा गरीब को गणेश और वर्गीय दृष्टिकोण से सोचने के हामी रहे, वर्गीय दृष्टिकोण से, वर्गीय समन्वय की बात करते थे, सौहार्द की बात करते थे, कोमो की बात नहीं करते थे। कोमो की बात करते हैं, कोमो की बात तो पहली बार वसुंधरा जी ने कहना प्रारंभ किया है। राजस्थान में कोमो की बात नहीं होती थी, राजस्थान में जातियों को किसी तरीके से राजस्थानी बनाने का काम जो कांग्रेस ने भी किया, जनसंघ ने भी किया, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई तो उसने भी किया, जनता पार्टी ने भी किया। ये जो विभाजन हुआ है ये बड़ा खतरनाक है, इसी की वजह से ऐसा है क्या पारिक साहब बन रहे हैं, ऐसा है क्या सवाल सोचा जाए या गजेंद्र सिंह सोचे जाए पारिक साहब, हो क्या रहा है? देखिए नहीं, मैं पारिक साहब देखिए एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछ, दिक्कत क्या हो रही है? देखिए पारिक साहब, चिंता की बात यह आपकी पार्टी के लिए, और मैं चिंतित, मैं बहुत परोपकारी नहीं हूं, लेकिन बाहर से देख करके मैं चिंता स्पष्ट कर सकता हूं आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या है। उसमें यह कि अगर गजेंद्र सिंह जी का विरोध होता है तो एक मैसेज यह जा सकता है कि साहब राजपूतों का विरोध हो गया, अगर किसी अगर मेघवाल साहब का विरोध, अगर मेघवाल साहब का नाम नहीं आता है तो ऐसा होगा कि साहब किसी एक जाति विशेष का विरोध हो गया, और अब अरुण चतुर्वेदी का क्योंकि नाम चल रहा है, और अगर उनका नाम फाइनल नहीं होता तो एक मैसेज यह भी जा सकता है कि साहब ब्राह्मणों का विरोध हो गया। दिक्कत यह सर, दिक्कत बशर्ते आप ऊपर से ऐसा ना सोचे, पर ऐसा है अंदर, यह सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता, ये चिंता की बात पार्टी की है। चिंता और जिज्ञासा दो फर्क होता है, सब लोगों की जिज्ञासा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, जिज्ञासा है। अच्छा। चिंता इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कामकाज कहीं रुका हुआ तो नहीं है, तो मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी कामकाज कहीं रुका हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी कामकाज उसी गति के साथ चल रहा है जैसे अशोक परिणाम जी के साथ साथ चल रहा था, पहली बात। अब जहां तक जातियों के विरोध की बात है, तो राजपूतों का भारतीय जनता पार्टी विरोध है, एससी वर्ग का भारतीय जनता पार्टी विरोध होने वाला, नहीं ब्राह्मण वर्ग का विरोध भारतीय जनता पार्टी होने वाला। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर कभी भी मंडल अध्यक्ष तय नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति के आधार पर अपना बूथ का अध्यक्ष तय नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में से निकालकर अध्यक्ष बनाती है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या प्रदेश अध्यक्ष बने या बूथ का अध्यक्ष, सत्यनारायण जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, अध्यक्ष बने, ठीक है सत्यनारायण सर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वह किसी किसी जाति का तो होगा ही होगा, ये तो तय है, बिना जाति का तो कौन होता है, किसी भी जाति, इसलिए तो सच है बिना जाति का कौन होता है, निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होगा, ठीक है सत्यनारायण सर कुछ जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होगा, उसकी जाति भारतीय जनता पार्टी होगी, उसका वर्ग भारतीय जनता पार्टी होगा, उसका जो पीछे का सरनेम होगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होगा, इसलिए वह जो भी कमाल की व्याख्या की है सर, कमाल की व्याख्या, एक बार सत्यनारायण जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, सत्यनारायण जी फटाफट से, सत्यनारायण सर फटाफट से, देखिए मैं इनको साफ कर देता हूँ, वसुंधरा जी अगर राजपूतों में जाती है तो कहती है मैं राजपूत हूँ, अगर वो जाटों में जाती है तो वो कहती है जाट हूँ इसलिए मेरे को मदद करो, 36 कौम के हैं, पूरी कौम के, 36 कौम नहीं है, राजस्थान के पर एक चीज मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना भी मुश्किल है साहब, हर किसी के किस्मत में कॉम्बिनेशन होता भी नहीं, इसको मान लेना चाहिए, हर किसी की किस्मत में कॉम्बिनेशन होता भी नहीं है कि कोई कोई राजपूतों की बेटी हो और जाटों की बहू हो, ये बहुत कम लोगों को नसीब उनको है तो वो ये कहती है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ राजनीति में क्या जातिवाद को मान लेना चाहिए, और खास तौर पर अध्यक्ष पद की खाली कुर्सी, ये बात इंगित कर रही है कि साहब राजपूत
जाट ब्राह्मण या किसी दलित वर्ग का रिप्रेजेंटेशन को लेकर भीतर कुछ बहुत ज्यादा कश्मकश है जो दिल्ली से जयपुर के बीच चल रही है। आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से सवाल पूछा और बड़ा सीधा सवाल था क्या जातिगत समीकरणों के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं हो पा रहा। 88% लोग ये मानते हैं कि हाँ ऐसा है, 12% लोग इस पर इत्तेफाक नहीं रखते। पारिक साहब, बशर्ते आप माने ना माने, देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो 88% लोग उनमें से ही होंगे, तो वो ऐसा मानते हैं कि साहब कहीं ना कहीं पेच इसलिए फंसा। बहुत शुक्रिया पारिक साहब, बहुत शुक्रिया सैनी सर, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कोई भी चीज अगर सवाल पैदा करती है तो उसके पीछे जिज्ञासा होती है। काफी लंबे वक्त से बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी खाली है और इसीलिए ये सवाल पैदा हो रहे हैं। अब कोई इसे जिज्ञासा कहे, कोई इसे चिंता कहे, वो अपनी अपनी अपना अपना नजरिया, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार एक नया कंटेंडर सामने आना ये पार्टी के लिए ही चिंता पैदा करने वाला है, बशर्ते कांग्रेस के लिए जिज्ञासा हो सकती है। आज न्यूज़ एंड व्यूज़ में पढ़िए।